मुंबई में अंधेरी, जोगेश्वरी और विलेपार्ले में 22 मई से लेकर 30 मई को नहीं आएगा पानी। पाइपलाइन और क्षतिग्रस्त लाइनों को हटाने के चलते लिया गया फैसला। पटना से मुंबई जा रही ट्रेन में मिली महिला का सिर कटा, लाश हाथ पैर तोड़कर सूटकेस में किया था पैक। मृतक महिला की पहचान अब तक नहीं हुई। मुंबई में और कुछ दिन रहेगी भीषण गर्मी। नागपुर और विदर्भ में 2 दिन बेमौसम बारिश का येलो अलर्ट। समस्तीपुर से मुंबई के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन, आसानी से मिलेगा कंफर्म टिकट। कांग्रेस का घोषणा पत्र, माओवादी लागू हुआ तो दिवालिया हो जाएगा देश, मुंबई में बोले पीएम मोदी। मुंबई की 10वीं हार के बाद एक्शन, हार्दिक पांड्या पर अगले साल पहला आईपीएल मैच खेलने पर लगा प्रतिबंध, 30 लाख का जुर्माना। मुंबई पर तूफान का खतरा, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, मुंबई गुजरात में भारी बारिश की संभावना। सीएसएमटी प्लेटफॉर्म 10 और 11 विस्तार के लिए 15 दिन का ब्लॉक। सीएसएमटी के लिए पहली लोकल सुबह 4 बजे से ठाणे से चलेगी। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को वोट करने वाले कुछ मुसलमान पिछले 10 सालों में नहीं उठा पाए सिर, इसलिए चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार, सब ओवैसी के औलाद हैं, एक बार इनके अड्डे की तलाशी लो, राज ठाकरे की मोदी से अपील। मैं मुंबई को उसका हक दिलाने आया हूं, मुंबई को बर्बाद नहीं होने दूंगा, नकली शिवसेना का हृदय परिवर्तन हुआ, पीएम मोदी ने शिवाजी पार्क से उद्धव ठाकरे को ललकारा। उद्धव ठाकरे के बारे में बात करना समय की बर्बादी, उनकी सरकार नहीं आएगी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री, राज ठाकरे का भाई पर हमला। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला का बड़ा बयान, शर्मिला ठाकरे ने कहा सभी मतदाताओं से बाला साहब की इच्छा को पूरा करने की अपील है। मुंबई से यूपी जा रहे तुलसी एक्सप्रेस में सवार महिला से रहे पंजान शख्स ने बेहोश कर कुर्ला ठाणे के बीच दरिंदगी को दी। विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास से किया गिरफ्तार, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का है आरोप। तारक मेहता के सोड़ी 25 दिन बाद लौटे घर, एक्टर ने खुलासा किया कि वो एक धार्मिक यात्रा पर गए थे। मुंबई में 16 लोगों की मौत के बाद अब 8 बड़े होर्डिंग हटाने के दिए निर्देश। चांदनी चौक और उत्तर पश्चिम दिल्ली में आज चुनावी रैलियों को करेंगे राहुल गांधी। अफेयर के शक में पत्नी के प्राइवेट पार्ट को छेद कर जड़ दिया ताला, अस्पताल में महिला की सर्जरी, हालत स्थिर, पुणे की घटना। आज सोने के दामों में उछाल देखी गई, सोना 68,400 रुपए तोला तो वही चांदी 93,000 रुपए किलो। 10 लाख में घर और जाली दस्तावेज, महाराष्ट्र में कपल ने आवासीय योजना के नाम पर ठगे 1.48 करोड़ रुपए।